अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे कि सेल्फ फाइनेंस का एमयू में क्लास 11th का जो सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म फिल हुए थे अभी वापस से रीओपन किया गया था 21 जुलाई से लेकर के यहाँ पे 27 जुलाई तक फॉर्म्स को वापस से रीओपन किया गया था। तो जिसने भी फॉर्म फिल कर दिया था उसको अब इंतज़ार है रिजल्ट का। तो आज की वीडियो में ये बताएंगे आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और ये आपको रिजल्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर रिजल्ट अपलोड होगा तो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट। वैसे तो जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो यहाँ नोटिस एंड अपडेट में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं देख मिलता है तो रिजल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट, आपको ये एडमिशन का सेक्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी फैकल्टीज आ जाएंगी। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। उसके नीचे लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस, SFS का मतलब है सेल्फ फाइनेंस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है नो रिजल्ट डिक्लेयर्ड, यानी अभी कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। जब रिजल्ट आएगा आपको इसी तरीके से देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट्स का है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 11 ह्यूमैनिटीज़ गर्ल्स एंड साइंस बॉयज़ साइंस गर्ल्स, उसी तरीके से सेम यहाँ पे भी आपको चार लिस्ट देखने को मिल जाएंगी जिसमें गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग होगा और कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ और साइंस का अलग रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। तो आपका एक्सपेक्टेड डेट जो है वो अभी तो फॉर्म्स की लास्ट डेट हुई है, सबसे पहले तो पहले चांसेस थे कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन फिर से इन्होंने फॉर्म्स को रीओपन किया है। अब वो जितने बच्चे जिन्होंने फॉर्म को फिल किया होगा फिर उसका क्राइटेरिया बनेगा, इंटरनल स्टूडेंट्स का अलग है, उनका टेंथ के जो मार्क्स होते हैं उस बेस पे उनको सिलेक्शन मिलता है, और आपके जो एक्सटर्नल हैं उसका VC जो है इलेक्ट करते हैं किसको लेना है किसी को नहीं, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 अगस्त है, 10 से 15 दिन लग जाते हैं फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट के बाद, हमेशा 10 से 15 दिन के बाद यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। तो 27 जुलाई जो है लास्ट डेट थी, तो उसके हिसाब से अगर 20 डेज लेके चलें तो ये 15 अगस्त जो है आपके एक्सपेक्टेड डेट है। हो सकता है उससे पहले आ जाए, हो सकता है उससे एक दो दिन बाद आए, लेकिन आप अगर एक्सपेक्टेड मान सकते हैं तो 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 15 जुलाई तक वेट करें, उनका रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ फिर यहाँ पे आपको काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन ही काउंसलिंग होगी, जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हुई थी, आपका शेड्यूल आया था, तो शेड्यूल भी आपको यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इसके साइड में काउंसलिंग का एडमिशन शेड्यूल, इस पर आना है, और यहाँ लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल SFS, इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है इस वजह से शेड्यूल भी नहीं आया है, रिजल्ट के 3-4 दिन के बाद आपको यहाँ पर शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करनी होगी। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आप यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा। लास्ट ईयर जो है वो 2 लिस्ट आई थी सेल्फ फाइनेंस की, तो होप अगर सीट वैकेंट रहती हैं तो इसमें भी आपके 2 लिस्ट आ सकती हैं। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, डेट भी बता दिए सेल्फ फाइनेंस का कब आपका रिजल्ट आएगा और कैसे आपको चेक करना है। और कोई डाउट है अगर आपका सेल्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग तो आप जो है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।